अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हमारा लाहौर में डे 3 यानी आखिरी दिन है और आज ही हमने यहाँ से वापस आना है। ये वो होटल था जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ था और ये उमैर गाड़ी निकाल रहा है। सो हम यहाँ पे आ गए हैं अछरा बाज़ार में। ये शाही भटूरे खाने हैं, शाही भटूरे। तो अभी इधर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो भी फूड पॉइंट है उसकी कॉपी मौजूद है साथ ही। अभी वो भी लाहौरी शाही भटूरे और ये भी हर जगह मतलब एक जो फेमस है उसके साथ एक कॉपी उसकी मौजूद है। सो हमारा नाश्ता आ गया है और ये जो है भटूरे हैं और ये चने हैं। सो अभी हम इनको ट्राई करेंगे और एंड में मैं आपको रिव्यू दूंगा। हमने इससे पहले ये भटूरे कभी नहीं खाए हैं ना। सो वी विल टेस्ट देम और एंड में बताएंगे कि कैसे हैं। अच्छा, पहला नवाला मैंने लगाया है तो उसमें जो है काफ़ी स्पाइसी लगे हैं। मैं इनको एवं ट्राई करता हूँ। आई थिंक इसमें भी मसाले वगैरह डाले हुए हैं उन्होंने भटूरों में। ये सामने वो लाल मिर्ची नज़र आ रही है बट दे आर वेरी स्पाइसी लाइक। अब ये इनके चने जो हैं वो स्पाइसी हैं ज़्यादा या अब इनमें वो स्पाइस का टेस्ट आता है बट सब कुछ मिक्स हो रहा है। हम भटूरे खा के आ गए हैं और देयर टेस्ट वाज गुड। अभी हमें अछरा बाज़ार से गुजर रहे हैं जो कि अभी बंद है। आई थिंक ये लेट खुलेगा बिकॉज लाहौरी उठते ही लेट हैं। तो हम जा रहे हैं लाहौर म्यूज़ियम की तरफ बिकॉज हो रह गया था। ये हम आ गए हैं लाहौर म्यूज़ियम में और ये टिकट हमने ले लिया है और अभी हम जाते हैं अंदर। ये म्यूज़ियम की जो है वो इस्लामिक गैलरी है। सो जहाँ पे ये सामने वॉल आर्ट्स वगैरह फ्रेम्स वटएवर जो भी कहें इनको, उसके बाद ये कारपेट हैं आई थिंक पुराने दौर के या जो भी जैन नमाज। ये बादशाही मस्जिद लाहौर का जो है क्या बोलें इसको मॉडल है। सो और उसके अलावा ये एक और गैलरी है जिसमें पुराने दौर के बुत वगैरह एंड एवरीथिंग रखा हुआ है। सो यहाँ पे भी सारे वो बुत वगैरह और इस तरह की चीज़ें हैं। इसमें इस गैलरी में सारे सिंध से रिलेटेड चीज़ें हैं, हड़प्पा और वहाँ पे बलोचिस्तान, ये सारी हड़प्पा की साइड की। और यहाँ पे पीछे वो काम चल रहा है आई थिंक वो मस्जिद जो है ना कुछ रखेंगे। सो ये सारी जो है ये फ़ोटो गैलरी है, यहाँ पे आर्ट वर्क्स वगैरह रखे हुए हैं। अभी यहाँ पे इस गैलरी में हर सूबे की जो है ना सकाफत के बारे में है। अभी जैसे लाइक ये केपीके सवात का, ये कश्मीर और ये कैलाश और ये सारा मैप है पाकिस्तान की टेक्सटाइल के बारे में कि वहाँ पे क्या मशहूर है। और उसके बाद आगे जो है नॉर्दर्न एरियाज, केपीके के बारे में ही, ये सारे पंजाब के सकाफत या जो भी फेमस है वहाँ के चोलिस्तान। और ये हमारा केपीके, बलोचिस्तान और साइड से आगे डीजी हान। ये जो है ना ये सिख गैलरी है और इसमें पुराने दौर के जो भी राजा महाराजा हैं ये उनकी कुर्सियाँ एंड एवरीथिंग मौजूद है। तो उमैर जो है ना कल लाहौर में अपने एक रिश्तेदार से मिलने गया था तो इसका पूरा ख़ानदान हानपुर में है। तो लाहौर में ना ये इसी बरादरी से इसका कोई रिश्तेदार होगा। ये जो है ना ये जो यहाँ पर लगी हुई है जिससे कल वो मिलने गया था, तो बाकी तो इसके वो सारे हानपुर में ही हैं। अच्छा, म्यूज़ियम का ये जो ऊपर वाला सेकेंड फ्लोर है ना, ये तहरीक आज़ादी के बारे में है, मेनली अबाउट पाकिस्तान कैसे बना और ये कायद आज़म की तस्वीर एंड एवरीथिंग, खताब और ये वो सारी चीज़ें। तो कायद आज़म के आखिरी लम्हात, ये इस तरफ कौमी तराना और ये आगे सारा कुछ पाकिस्तान के बारे में है इस वाले सेक्शन में। ये भी सारा पाकिस्तान के बारे में वो आगे तक। और ये सेंटर में जो गैलरी है ये पुराने दौर के सिक्के वगैरह हैं। जब म्यूज़ियम के साथ ये आके
जो है लाइब्रेरी है। और अभी हम म्यूज़ियम से होके आए हैं और दिन के कोई तकरीबन 1 बज रहे हैं, हमारा इसके बाद कहीं जाने का मूड नहीं है। सो हम अभी जा रहे हैं वापस, बिकॉज़ वापसी का सफ़र थोड़ा सा लंबा है, हमें जो है 6 घंटे ऑलमोस्ट लग जाएंगे। तो वी वांट कि हम जो है ना रात को लाइक 8-9 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाएँ सुकून से, तो इसलिए अभी हम मोटरवे की तरफ जा रहे हैं। मेन लाहौर में ही हैं हम, और यहाँ से मोटरवे के हमें कोई लग जाएंगे 1/2 घंटा तकरीबन लग जाएगा। तो उसके बाद जो है हमने आगे जाना है हंटपुर वापस। लाहौर का रिव्यू मैं कभी शेयर करूँगा बट 50-50 सीन्स हैं, ना इतना अच्छा है ना इतना बुरा है, बस दरमियाना सा है, दरमियाना सा। ट्रैफिक का रश एक बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, आज तो संडे है इतना ज़्यादा नहीं है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा रश है ट्रैफिक का यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। सो ये सामने अभी हम मोटरवे पे चढ़ने लगे हैं, और उससे पहले हमने यहाँ से एक टक शॉप है तो यहाँ से पानी वगैरह लेना है, इसके बाद वी विल बी ऑन मोटरवे। सो ये था हमारा नाइक लाहौर का 3 दिन का सफ़र या स्टे या जो भी था। इस वीडियो को मैं लाहौर वाली को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मिलेंगे दोबारा किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर ये वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दें, इसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दें, अच्छी नहीं लगी तो अभी लाइक सब्सक्राइब कर दें। ओके okay?